केजरीवाल का खुद मौका में जाके झेलेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक समय था मैं बार बार यहां आया करती थी, कामा को हेरिटेज शहर घोषित करने का अपना अपना काम रहा। कामा का स्टेडियम का निर्माण हम लोगों ने कराया, चीन मैनों का सौंदर्यकरणराज हिमलपुर की परिक्रमा मार्ग सौंदर्यकरण, शहरी जल योजना की घोषणा भी जो की थी आज खत्म कर दिया होता तो देना पड़ता है, पीने के पानी की क्या स्थिति है, और रोड की तो तुम्हारी मैंने देख ली यहां से आते हुए, तो उसके कहने के क्या कोई मतलब ही नहीं है। ये विद्युत का करंट तो बिल के अंदर आता है पर बिजली के तारों के अंदर नहीं आता है। अभी मैं करौली में थी तो करौली में एक जन मेरे को रस्ते में मिले, उनके हाथ में बिजली का बिल था और कंधे के ऊपर क्या बोलते हैं मीटर मीटर टंगा हुआ था, और मैंने जो बिल दिखाया तो 4000 रुपए का तो बिल था, मीटर टंगा हुआ था, नया का नया था, और उसने कहा तो मेरे घर में कनेक्शन नहीं है और ये बिजली का बिल आ गया। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बिजली के बिल आ गए, उसका वो जो टांगा हुआ था कंधे के ऊपर मीटर मीटर लग गया और वो बिल हमने अपने हाथ में ले लिया, बिल भी माफ। इसका मतलब ये है कि जनता के साथ जनता की मुसीबत को सुनने की कोशिश कोई करेगा तो मैं समझती हूँ कि सभी काम हो सकता है, नहीं तो बातें तो बहुत करती है ये सरकार परंतु काम तो बिल्कुल ही नहीं। आज मैं देख रही हूँ कि 4.5 साल कुछ भी काम नहीं किया। अच्छा ये बताओ मेरे को किसी को मुफ्त जांच हो रही है क्या अस्पताल में, किसी को मुफ्त दवाई मिल रही है क्या, किसी को 50,000 रुपए मिले हैं अपना बीपीएल के मकान बनाने का, कोई है बीपीएल या जिसको मिला है, अपने कॉलोनी में हो अपने गांव में हो किसी को मिला, और अगर मिला तो मैं समझती हूँ कि उसमें से 6-7-8 हजार रुपए तो रिश्वत में चले गए होंगे। किसी को 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला, हर चीज में नहीं कहते हो आप लोग, अच्छा किया इस सरकार ने, लूट मचाई है लूट, और पूरे राजस्थान को लूट के छोड़ दिया है, सबके जेब काट लिए, सबका पैसा अपने जेबों में भर लिया और कहते हैं कि मैं हूं गांधी और मैं बचाऊंगा राजस्थान को, और खड़े होके रोज रोज मेरे ऊपर कुछ ना कुछ बोलते हैं। मैं बार बार उनको इतना ही कहती हूँ कि मेरे ऊपर इतना समय मत दो, जितना समय मेरे को दे रहे हो ना अपने भाषण
अगर राजस्थान को उसका समय दे देते तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान की यह हालत नहीं होती। और ये मेरा कहना कि पैसा सब आप ही का है, आप ही लोगों का पैसा है। तो जब ये आते हैं ना, अब 4 महीने में आएंगे आपके पास कि चुनाव में वोट दे दो भैया, अब तो वोट दे दो। और वोट दे दोगे तो हम सब कुछ कर देंगे, सोने का महल बना देंगे, दूध की नदी बहा देंगे, सब कुछ करा देंगे, आप उसकी चिंता ही मत करना। पर राजीव गांधी क्या कहते थे, वो कहते थे कि 1 रुपया में से सिर्फ 15 पैसे पहुंचते गांव में, याद है। और राहुल गांधी अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि रुपए में से सिर्फ 10 पैसे पहुंचते गाँव में। मैंने तब से अब का फर्क, हमने उन्नति और तरक्की नहीं की है, हम लोग और घटे हैं पीछे, हम लोग और पीछे चले गए हैं। एक तरफ तो मध्य प्रदेश आगे चला गया, एक तरफ गुजरात आगे चला गया, एक तरफ आगरा आगे चला गया, एक तरफ ग्वालियर आगे बढ़ गया, और हम गड्ढे में वैसे के वैसे पड़े हैं। सोनिया गांधी की मीटिंग हुई चिंतन शिविर जयपुर के अंदर, सोनिया गांधी ने यह कहा कि हमारी पार्टी की बड़ी बुरी हालत है। हमारा राज्यपाल महोदय, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये सरकार बहुत बात करती है, काम करती नहीं है। हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा ऐसी वाहियात सरकार हमने देखी नहीं है, इससे कोई काम ही नहीं किया उसकी जनता के लिए। बात लोगों को जड़ा लड़ा दिया है, इस जात को उस जात से, इस मजहब को उस मजहब से, और उन सबके वोटों का फायदा उठाने की उन्होंने कोशिश की है। हम लोगों ने तय किया कि एक नया राजस्थान हम लोग मिलकर बनाएंगे। जब झगड़ा होता है तो किसी का काम नहीं होता, हर जात को 36 की 36 को और दोनों मजहब को गले से लगा के चलोगे तो आगे चल के मैं आपको विश्वास कराना चाहती हूँ कि राजस्थान का कल्याण होगा। हमने अपने सरकार के समय में अपने गले से लगाया, कितने बार मैं खुद हेलीकॉप्टर लेके आई हूँ आप लोग सब जानते हो। आप ये भी जानते हो कि जब वो टंकी का हादसा हुआ, याद है आपको, मैं तो यहाँ आई थी दंगल में, और दंगल के बाद वापस गई तो आप लोग चढ़े थे उस टंकी के ऊपर, और टंकी को तो टूटना ही था, जब इतने सारे लोग चढ़ गए उस पर, पूरी टंकी गिरी, आदमी मरा। मैं दूसरे दिन आई कि नहीं आई, आप लोगों ने दंगा मचाया कि नहीं मचाया, फिर भी मैंने कहा कि कोई नहीं, अपने ही लोग हैं, ये टूटी टंकी इसके लिए लोगों का इंतजाम, उन लोगों को पैसे का मुआवजे का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद बार बार आई कि नहीं, छोड़ा नहीं काम को, और मैं अभी भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। सरकार अपनी आएगी उस नए राजस्थान के उसमें एक बहुत बड़ी जगह काबा को हम देने वाले हैं, और काबा को आगे बढ़ाने का मतलब यह है कि पूरे 36 कौम और सब मजहब एक साथ एक प्रतीक बनेंगे राजस्थान के लिए, और यही से अपन उसको शुरू करवाएंगे। सब जो भी घाव है हम लोगों के बीच में, उन घाव के अंदर मलम लगाने की कोशिश करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने ये देखा बार बार कि कांग्रेस ने यह तय किया कि एक को दूसरे से लड़ाने से एक भी वोटों का फायदा हो जाता है। सबको मैं अगर ये कहती हूँ कि साथ में लेके चलेंगे तो हो सकता है कि एक समाज के लिए अपने को फायदा नहीं होगा, परंतु आगे चल के पूरे राजस्थान के अंदर काम आपको फायदा होगा और साथ में राजस्थान को फायदा होगा। आज कामा के अंदर इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं कि इसको पर्यटक के एक नक्शे के ऊपर उभर के आ जाना चाहिए था, पर नहीं आया, क्योंकि हम लोग एक नहीं है, इसलिए कामा आगे नहीं बढ़ सका है। और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि उस नक्शे पे लाने का काम हमें करना है। इसी तरीके से जो हमारा ये श्री कृष्ण का जो अपनी परिक्रमा थी, उस परिक्रमा को भी सुदृढ़ करने का हम काम हम लोग करेंगे, और साथ साथ हम अपने मेवात विकास बोर्ड के हाथों को मजबूत करके, और वहाँ में बालिका के स्कूल, बच्चों के स्कूल सब करके वहाँ भी बोर्ड को हम सशक्त करने की कोशिश करेंगे। सब लोगों के लिए जगह है, एक थाली है जिसमें बहुत अच्छी रोटी परस के और मिठाई परस के रखी है। एक नया राजस्थान बनाने का सपना अगर आप लोग सब रखते हो तो उस नए राजस्थान का सपना हम भी देख रहे हैं। उसमें हमको ऐसी चाहिए जिसमें हमारी माताएं बहने अपने
अपना सिर ऊंचा करके चल सके, उनके साथ अत्याचार न हो, उनके साथ बलात्कार न हो, उनके साथ कोई भी किसी किस्म की हानि न हो, ये महिला अपना सिर ऊंचा करके चल सके, ऐसी स्थिति जिसमें हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़ा हो सके, उनको अच्छी तरह से पढ़ लिख के नौकरी मिले। आज राजस्थान के अंदर किसी को नौकरी नहीं मिल रही, 60% कर्मचारियों के पद खाली पड़ रहे हैं। हम आराम से उनको भर सकते थे परंतु नहीं भरे, इसलिए आज टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। राजस्थान में काम करने वालों की सूची देखो तो है ही नहीं, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे टाइम में 10 लाख बच्चों को कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी नौकरियों को देके उनको काम पे लगाया था, उसी तरीके से आने वाले समय के अंदर भी हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, ये नया राजस्थान हम उसका सपना हम देख रहे हैं। उसमें हमारा ये सपना भी है, हमारे किसान अपने पैर पे खड़ा हो जाए, हमारा किसान मजबूत बने, हमारे किसान को समय पे बिजली, समय पे पानी, हमारे किसान को समय पे खाद, समय पर बीज, और जब वो जाता है अपने फसल बेचने के लिए तो फसल के अच्छे दाम, ऐसी स्थिति हमारे किसान के लिए हो जाए। हमारे टाइम में मुआवजे की जब भी मुसीबत पड़ी थी, ऐसे कोई भी आपदा हुई तो मुआवजे का इंतजाम हम लोगों ने किया कि नहीं किया? अब मुझे बताओ कि आपके यहाँ आपदा हुई थी कोई? ओला पड़े थे, किसानों का नुकसान हुआ था? हमने तो जयपुर में पढ़ा कि आप लोगों को बहुत सारा मुआवजा मिला, नहीं मिला? अरे एक मिनट के लिए मेरे को ये बताओ कि ये जो आप कर रहे हो ना, वो खाली मेरे को खुश करने के लिए कर रहे हो या सही बता रहे हो? अगर कुछ भी नहीं किया, जिस प्रश्न को मैं आपके सामने रखती हूँ सबको मैं वो हवा कर देती हूँ, तो इसका मतलब है कि सारा काम सामने कोई काम ही नहीं हुआ, ऐसे ही बैठे हो हाथ पे हाथ रखे सब। तो ऐसी सरकार को जो अपनी माता और बहनों की इज्जत को संभाल नहीं सकता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे वो किसी भी जात का हो, जो हमारे मुखिया परिवार नहीं संभाल सकता, महिलाओं को नहीं संभाल सकता, उसको उस कुर्सी पे बैठने का हक देना चाहिए। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे बच्चों को और आप लोगों को हाथ मजबूत करके वो आगे रास्ता नहीं दिखा सकते, ऐसे लोग जिन्होंने 4.5 साल तक राजस्थान की तरफ निगाह ही नहीं उठाई, ऐसे लोगों को कुर्सी बिठाने की जरूरत है? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अभी एक हफ्ते पहले ये सब पूरे अपने चीफ सेक्रेटरी साहब और कौन कौन सेक्रेटरी लोगों को लेके इजराइल चले गए थे। अब 4 महीने बचे हैं चुनाव के लिए, इनको इजराइल से क्या मिलना है? पूरा का पूरा जयपुर खाली हो गया था, कोई नहीं था, कोई भी जान हमारे काम करने के लिए कोई भी नहीं था वहाँ, ये चले गए थे इजराइल। हम जब इजराइल गए थे तो हमने अपने पीछे 100 से ज्यादा किसानों को इजराइल भेजा था कि तुम सीख के आओ कि वहाँ क्या चलता है, और वापस आके अपने खेतों के अंदर भी वो काम करने की कोशिश करो। इन्होंने तो किसी को नहीं ले गए, यहाँ से अपने 2 किसान गए थे, शायद 2 किसान गए थे, हमने इसलिए भेजा, हमने कहा जाओ देखो अगर इसमें कोई सूट होता है तो वापस आके अपने क्षेत्र के अंदर काम करोगे तो दूसरे लोग आके तुम्हारे किसान की खेती देखेंगे और उस खेती को देख के अपने प्रोत्साहित होके अपनी खेती भी करेंगे। परंतु इन्होंने कुछ नहीं किया, हाँ हमारे पैसे को खर्च किया, पर ये अब आपके बीच में जब आएंगे ना, अब चुनाव का टाइम आ गया, अब हाथ जोड़ने के लिए आएंगे, अब याद दिलाएंगे कि हम तो मुसलमानों के मसीहा हैं, और ये तो हमारे वोट है, तो याद रहिए कि मुसलमानों के वोट तो सब हमको आने ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी आएगी तो खा जाएगी ना, इसलिए आपने तो हमारे बंधुआ मजदूर वोट तो अपने ही है। अब मुसलमानों को भी मुझे कहना है कि बड़ा सोच समझ के करना, 50-60 साल आपने वोट दिए, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, 50-60 साल नहीं मिले, आपके स्कूल बने, कंप्यूटर मिला, कोई काम लगा? कुछ नहीं, क्योंकि 5-6 साल में आपकी याद आती है बस। एसटी के लोगों को यह कह दिया कि यार ये तो मजदूरा, ये तो हमारे बंधुआ मजदूर, ये कहाँ जाएंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 8 दिन के अंदर मुसलमान समाज के भारी तादाद में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अपने पार्टी के अंदर ज्वाइन किया है, 1200 आदमी ने ज्वाइन किया, और इसी तरीके से करीबन 900 लोगों ने
बेलवा परिवारों ने हम लोगों को ज्वाइन किया है, किसी ने ये बात नहीं कही सबने कहा कि जो हमारा भला करेगा हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। और राजस्थान में जब ये एकता हो जाएगी, जब हम लोग एक आवाज में आगे चलेंगे, तो हमारे प्रगति को रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ये मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। देखो, मुसलमान भाई हो, एससी भाई हो, हमारी माता बहने हो, सवर्ण जात के लोग सब यहाँ लोग बैठे हुए हो, मैं उनको सबको ये कहना चाहती हूँ कि लुभाएंगे आपको, साथ में ले जाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु याद है एक तरफ गुजरात जिसको 15 साल में दुनिया के मानचित्र में रख दिया, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश जिस मध्य प्रदेश ने 10 साल के अंदर पूरा मुख्यमंत्री ने बदल के और देश के मानचित्र के ऊपर ला के रख दिया, और दूसरी तरफ राजस्थान जहाँ 55 साल राज किया एक ही परिवार और एक ही पार्टी ने, और देखो क्या हाल है। अब इसके बाद राजनीति न जात पे न मजहब पे होती है, वोट पड़ता है अपने अपने खुद के, अपने परिवार के और अपने प्रदेश के भले पे। कौन अपना भला करता है और आगे कौन अपना भला करेगा, किसके द्वारा आप अपना भला करवाना चाहते हैं, वो अपने दिमाग के अंदर अपने नक्शे के अंदर डाल के और फिर जाके अपना वोट डालते हो। इस बार राजस्थान के भले और राजस्थान के साथ साथ आपके खुद के परिवार के भले को सोचते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। क्या ये मंजूर है? क्या ये मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। कह दो ये आंधियों को, कह दो कि हम लोग भी सब उतर आए हैं सड़क पे, और ये आंधियों से किसी को डर नहीं है, ये आंधियों का सामना अपन करेंगे और करके जीत के अपने क्षेत्र के अंदर स्वराज लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए अपनी सरकार को लाने का।